हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है तुषार और हम बात करेंगे आज PUBG के बारे में। PUBG क्या Realme C1 में सही चलेगा नहीं? अगर आप फ़ोन ही परचेस कर रहे हो तो देखना पड़ेगा कि आप PUBG चलता है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस फ़ोन में अगर Realme C1 में अगर आप PUBG के लिए या अपने यूज़ के लिए इसे ले रहे हो, गेमिंग के लिए ले रहे हो, तो क्या ये सपोर्ट कर पाएगा फ़ोन को, या PUBG गेम प्ले कर पाएगा या कोई भी दूसरा गेम प्ले कर सकता है। तो जैसे बात करते हैं इस फ़ोन में जो हमें मिलने वाला है उस तरह से, चलिए देखते हैं इस फ़ोन के बारे में। इसमें हमें मिल जाएगा जो आपका ये कलर OS पे काम करता है 5.1 है, जो इसकी रैम है 2GB की रैम है, एंड्रॉयड 8.1 पे आता है और 16GB की इंटरनल मेमोरी है। और इसमें जो यूज़ किया गया है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 यूज़ किया गया है। बात करते हैं कि ये देखना पड़ेगा कि अगर 450 का प्रोसेसर इसमें दिया गया है क्वालकॉम का, तो क्या अगर PUBG गेम चला पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को और देखते हैं क्या ये PUBG का लूट ले पाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, मुझे आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, अंत तक जरूर देखें। जैसे आप देख सकते हैं मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसमें कुछ Realme गेम स्पेस आ रहा है जिसमें आप देख सकते हो, मतलब कि बैक साइड के जितने भी ऐप थे उसको इसने क्लियर कर दिया है और बैक साइड की पूरी मेमोरी को बंद, मतलब क्लियर करके इसने PUBG के लिए खाली कर दिया है। तो जैसे देख सकते हैं कि इसमें Realme में ये अच्छी चीज़ है कि आपका ये कोई गेम प्ले करते हो तो जो बैक साइड की मेमोरी है, बैक स्पेस में कोई भी एप्लीकेशन आपकी रनिंग एप्लीकेशन है वो आपकी बंद हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से आपका गेम अगर थोड़ा स्मूथ चलेगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि क्या ये आगे चल पाएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो हर जगह, आप मुझे जहाँ फॉलो करें वहाँ मैं लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ जिस डिस्प्ले पर वो शो कर रहा है। आप मुझे यूट्यूब पर इस लिंक से सर्च कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप मुझे जहाँ वहाँ फॉलो कर सकते हो, मैं आपको हर जगह मिलूँगा। बात करते हैं इस फ़ोन की, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें जैसे कि हम इसमें आप देख रहे हैं जो यहाँ पर आपका है, थोड़ा सा फ़ोन स्लो है। स्टार्टिंग मैंने PUBG स्टार्ट किया तो काफ़ी स्लो इसमें ओपन हो रहा है, इतना थोड़ा स्लो है यहाँ देखा जा सकता है। अभी स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर चेकिंग पर अपडेट आ रहा है, इसे हम जल्दी स्किप कर देते हैं। यहाँ से मैं इसे पूरा सेटअप करके इसको आगे कर देता हूँ। तो मैंने पूरा सेटअप वहाँ पर कर दिया है, इसके बाद मैं यहाँ पर गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे देखते हैं इसका व्यू एंगल भी ठीक ठाक है, कैमरे की लाइट अगर देखा जाए आपको, डिस्प्ले आपका सही है। और यहाँ से इसको सेटअप करते हैं, ओके यहाँ ओके। इसे मैं सिर्फ नॉर्मल ग्राफिक पे ही चलाऊँगा, नॉर्मल पे क्लासिक पे चलाने वाला हूँ। और देखते हैं क्या ये इस पे इस ग्राफिक मोड पे भी सही चलेगा नहीं चलता है। तो लोडिंग करता है, थोड़ा बहुत स्लो है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हालांकि जो मेरा दूसरा फ़ोन है Mi Max 2 मैं यूज़ करता हूँ, उसमें जहाँ तक मैंने देखा इतना समय नहीं लेता है। हालांकि उसे ग्राफिक भी अच्छा, प्रोसेसर भी उसका अच्छा है, इसलिए आप यहाँ देख सकते हो कि थोड़ा गेम थोड़ा स्लो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही स्लो हो गया गेम। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका, देखते हैं यहाँ गेम मेरा कैसा चलता है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही हल्का आपका लैग कर रहा है, देखा जाए तो लैग कर रहा है यहाँ पर आपका, बीच बीच में थोड़ा बहुत ही लैग कर रहा है गेम। अब किस वजह से लैग कर रहा है मुझे खुद नहीं पता, मगर ये आप गेम लैग कर रहा है। अभी फ़ोन में इस समय कोई भी ऐप नहीं रनिंग कर रही है बैकग्राउंड मेमोरी, और मेरा फ़ोन इस समय पूरा खाली है, कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं, कोई भी एक्स्ट्रा ऐप नहीं पड़ा है, बस ये PUBG का गेम पड़ा, फिर भी ये थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। देखते हैं यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाए मेरा। क्या डिस्प्ले ग्राफिक, तो ग्राफिक्स का अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं चलिए इसे करते हैं स्किप और देखते हैं। वैसे मैंने दोस्तों मैंने वहाँ से जंप किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर आया तो थोड़ा बहुत लैग वहाँ भी कर रहा था, और देखते हैं कि ये आगे लैग करते हैं। आप देख सकते हैं बीच बीच में थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, ये हल्का फुल्का भी लैग कर रहा है। चलिए कुछ करते हैं, पिक करते हैं, कुछ बंदूक मिल गई और यहाँ से कुछ देखते हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, अब थोड़ा मैं इसको फायर करके देखता हूँ। अगर फायर करने पे कभी बार मैंने देखा गेम में लैग होता है, तो मुझे यहाँ मेरा फ्रेंड जा रहा है, इसको मैं फायर करता हूँ। देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत लैग कर रहा है बीच बीच में अभी भी। जिस तरह देख सकते हैं इस समय थोड़ा बहुत ही हल्का सही चल रहा है, हम बीच बीच में थोड़ा बहुत लैग करने लगता है।
दोस्त मैं कहना चाहूँगा अगर पबजी के लिए फ़ोन ले रहा है तो बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पबजी गेम इसमें नहीं से चलेगा, लैग करेगा। अभी तो मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं है, इसमें तब भी लैग कर रहा है। अगर आप एक बजट फ़ोन चाहते हैं अपने लिए नॉर्मल यूज़ करें, सिर्फ आपको मूवी से वीडियो गाने सॉन्ग सुनना हो या तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से पबजी इसमें नहीं से चलेगा और पबजी के लिए फ़ोन बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों। ये बात थी इसकी, अगर आप बजट फ़ोन चाहते हैं 7000 रेंज में और गेमिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं कुछ आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ फ़ोटोज़ के, तो वो जो सैंपल आप देखोगे वो मेरे कैमरे से ही खींची गई, कुछ फ्रंट से है कुछ बैक से है। और कैमरा क्वालिटी भी आप खुद देखिए, आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, और अगर जैसी भी लगे मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का फिर राय क्या है कि पबजी गेम पूरी तरह चला पाएगा, इस साथ मेरे पास एक 100 पास पर ट्राई करके देखे, अगर अच्छा चलता तो ठीक है। ये बैक कैमरे से मैंने फ़ोटो खींची है, देखिए इसका बैक कैमरा है ये, और इस तरह से फ़ोटो इसमें मिल जाएगी आपको बैक कैमरे की। कलर इसके अच्छे हैं मतलब, और कैमरा मतलब थोड़ा सा हल्का ब्लर है, ये थोड़ा सा दूर का मैंने किया था, मगर आप थोड़ा सा दूर की फ़ोटो खींचो तो ब्लर हो जाती है, पास की फ़ोटो थोड़ी ठीक आती है, जैसे कि ये पास की फ़ोटो। क्या आपके इसके बाद आती है फ्रंट की, देखिए फ्रंट की भी ये आपकी इस तरह से कुछ आ रही है। आप फ्रंट की अगर फ़ोटो देखो तो फ्रंट की फ़ोटो थोड़ी बहुत क्लियर है, मगर उतनी अच्छी नहीं है, मगर हाँ क्लियर है। ये दोस्तों मेरी फ़ोटो है, इसमें देख सकते हैं थोड़ा बहुत क्लियर आ रही है, मगर उतनी अच्छी क्लियर फ़ोटो नहीं आती है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कहूँगा अगर गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो फ़ोन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं कहूँगा कि अगर सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन चाहते हैं तो 7000 बजट में फ़ोन आपको अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह आने वाले समय में और भी आपको वीडियो देता रहूँगा, दोस्तों सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।